नमस्कार, इंदौर विजन सब कमलेश में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता है बंदा बंटू भाई। तो भाई मैं आ चुका हूँ इंदौर के मुर्गी बाज़ार में। मुर्गी बाज़ार कबूतर बाज़ार बिल्कुल पास पास में ही लगते हैंगे भाई। और आज आपको अपडेट बताऊंगा मैं 25 सितंबर का। तो बोले और ये संडे को ही मार्केट लगता है कबूतर बाज़ार मुर्गी बाज़ार बिल्कुल पास में जिंसी हाट के नाम से जाने जाते हैं। जिंसी एरिया में ही लगते हैंगे भाई। आप इजीली बड़ा गणपति राजबाड़ा से इजीली यहाँ पर आ सकते हो। तो भाई आज का अपडेट मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं कौन कौन सा मुर्गा मुर्गा है, कितने कितने रेट में आए। तो भाई अब शुरू करते हैं। क्या मांग रहा हूँ? 2300। 2300 और क्या बेच रहा हूँ? ये क्या भाव बेच रहा है? ये इनके लिए? हाँ, उसके लिए। अच्छा, ये मुर्गों के लिए भाई खाना भी बेच रहा है, देख लो आप। और ये क्या है? ये टुकड़ी है बादाम। इसकी की क्या भाव देते हो? ये आधा किलो है? ये आधा किलो की एक है। कितने की है? ये 150 रुपये किलो। और ये? ये 100 रुपये किलो। ये 100 रुपये ये बच्चों के लिए। ये बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। और मुर्गी अपने बच्चे समेत कितने? बच्चे समेत नहीं देना, बच्चे देना 350 रुपये ना। 350 का एक बच्चा? असील का। अच्छा, ये मुर्गी अलग है, बच्चा अलग, इसके नीचे रखवा है। हाँ, भाई ये मुर्गी नहीं बेचना है, सिर्फ बच्चे बेचना है। बच्चे अंदर आ रहे आ रहे आ रहे मार आदमी ले यार। इसकी मुर्गी के तो जोड़ बना रखे हैं। इसमें ये एक और है काली कलर का, एक तो मर गई सिलेटी कलर का है। अभी कितना वो मुर्गा खा रहे हैं? लड़ाई और लड़ाई नहीं डाल सकते ना यार अपन उसको। हाँ, डिलीट हो जाती। हाँ, 12 बज जाती ना यार बाबा। मैं देख लिया था। हाँ, मैंने ही नहीं बनाया वहाँ कबूतर का बनाते बनाते कौन है। यार मेरी गलती है, पूरे वर्ल्ड में माइक्रोसॉफ्ट पेपर दोनों दूंगा, किसी को कार्ड का तो दिक्कत। मार्केट में रेडी बच्चे चला रही हूँ, तो अपना वाला सस्ते में निकाल। पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम बताना देवा क्या क्या इसका बताओ? नहीं, अरे कितने का है? 1.5 लाख रुपए का तो पंजाब से लाया हूँ। बोल रहा हूँ मैं, ये पिटबुल नहीं है। तुम्हारा बड़ा बड़ा बकरा, शेर, बाघ, 600 रुपये मांग रहा भाई। भाई ये दोनों के देखा, वो सेम लगता है क्या? ये दोनों के पिटबुल आते हैं मीटिंग के लिए, 600 रुपये का एक मांग रहा है। ना बच्चे 600 रुपये एक ही मांग रहा भाई। इसके बच्चे आने वाले हैं अभी, इसकी मीटिंग कर रही है अपन ने। इसके पिटबुल पिटबुल बैंड होने वाला है। अरे मेरे भाई, उसका बाप पढ़ा है मेरे पास डोंगो अर्जेंटिनो। अरे पर बैंड होने वाला पिटबुल? अरे मैं कह रहा हूँ उसका बाप पढ़ा मेरे पास डोंगो अर्जेंटिनो, पिटबुल क्या लग रही है उसके आगे? पिटबुल को फाड़ दे भाई, वो देखो यूं इधर देखो, वो फाड़ देगा पिटबुल। तो पिटबुल को वो फाड़ देगा, पर पिटबुल लोगों को फाड़ देता। अरे यार फिर वही बात कर रहा हूँ। अरे खाली बात आओ जरा हमारे पैनल पे, खाली वीडियो बनाओ हमारे, अभी बच्चे हैं यार हमारे पास। रह नीचे कर रहे कितना कितने में रहा करीम लाला? 3000 रुपये मांग रहा है करीम लाला। बहुत गजब लड़ाकू लड़ाया इसको। माजी अंडे देगी है, सही बताओ ना। 3000 की मांग रहा हूँ। अरे वाह यार, तुम्हारी मुर्गी तो अलग ही है। ये दिखाओ वीडियो में, क्या मांग रहे हो दादा बताओगे? थोड़ा चल कर ला के दिखाओ, चला अरे इंदा यार भाड़ा।
अरे बनाओ। कौन सी वादी? हैदराबादी। ये बेचरा हो गया, बेचरा क्या मान क्या इसमें आ रहा? मैंने पिछली बार बनाया था तो थोड़ा सा ही बना पाया। हाँ हाँ सही बात, सही सही बोला तू। बकरा लाइन में क्या करेंगे जाके अपन? तो बाबा अपना नॉलेज नहीं जिस चीज़ का, उसमें कहा बोलो यूट्यूब पे जाना जाना लोग। आवाड़ी वो सफ़ेद सफ़ेद मुर्गे आए, मुर्गी खरीदता है। नूरी नूरी। हाँ नूरी मुर्गी अलग रहती क्या? नहीं आती है ना वो भी, और ये कलर के हिसाब से वो अच्छा बिकता है वो वाला वाइट। हाँ अच्छा। नूरी कलर कितने में जाता है? वो चले जाता 2500 3000 वही वही 3400 4000। आज ये मुर्गे का क्या मांग रहे अपन? मुर्गी दे देंगे भाई 2000 भाई, जिसका मुर्गा उसने बोला 2000 रुपये। देखो जो रेट बता देता, मैं रेट बता देता हूँ भाई आपको। लोग यहाँ कुछ ऐसे भी रहते हैं झंडू मन भाई पसंद आ गई मैंने तो उनका उनका काम, अपन चलते हैं। तेरी हमारी कहानी। हाँ भाई क्या हाल चाल? भैया बढ़िया। ये मुर्गे देख लो भाई, 300-400 ऐसे मुर्गा मुर्गी बिक जाते हैं भाई। रेट हर बार क्या पूछूं यार, ये भी बताने वाले भी फिर मुनावर भी मार्केट नहीं भरा क्या? मुनव्वर भाई आज क्या रेट मांग रहे हो? 450 रुपये नग भाई। हाँ 450 रुपये नग वो एक फिर भग गया था। बैठ जा रहे कहाँ भग रहा है तब? ये मुनव्वर भाई 450 रुपये नग दे रहे हैं भाई। दो दो ढाई ढाई किलो का वजन होगा है ना? सवा दो किलो। ये 150 रुपये नग मुर्गी दे रहा भाई। ये मुनव्वर भाई के रेट हैं, ये गलत रेट नहीं बताते। आप चाहो तो आके आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। बहुत गजब, मैंने बता दिया आपको रेट। और उधर भी मुर्गा मुर्गी है, इसमें भी मुर्गा मुर्गी है, सब भरे हुए हैं। और ये भी देखो, एक ये पाला इनका, एक ये पाला, एक ये पाला, एक ये इनका पाला, सब इनके ही पाले हैं। और बहुत सारे लोग लाते हैं मुर्गा मुर्गी, ऐसा नहीं है कि नहीं लाते हैं। तो यहाँ पर भी दादा के पास भी ये भी रेट सही साइड ही देते हैं। तो ऐसा नहीं कि अलग अलग वजन के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा रेट हो सकता है। और हर रविवार को आते हैं और अपना दुकान लगाते हैं भाई। आओ आप लेके जाओ यहाँ से। आज ये मुर्गा क्या रेट से?
तो भी ऊपर कर लेना। ये देखो इनका पूरा डंपरा भरा हुआ। छोटो जीव हमारा था। बड़ा है ज्यादा तो अपन मैं खुद आऊँ कि इनको दिखा देखा मैंने उनका वीडियो है यार। में और सही बेचते हैं जो रेट है वो रेट। ये है वो मुनव्वर भाई और ये उनके रेट सही रहते हैं। ये दादा भी रेट जो है बता देते हैं सही साथ जो अपने को बताएंगे रेट वही ग्राहक को बताते हैं। देसी माल है इसलिए रेट वही रहता है। कौन मना करेगा अपन? हम मना कर रहे हैं हमारे जानकार बनाएंगे 10 बार बनाएंगे चाहे लड़ाई हो जाए मटर हो जाए कुछ भी हो जाए तो चाचा वीडियो में छोड़ता नहीं बनाना है दादा। क्या हो रहा वीडियो में बनाया तुम्हारे का टर्की की क्या मांग रहा तो चाचा 4000 गजराने के भाई गजराने में भी जाके इनसे ले सकते हो। दरगाह किधर आता है? कच्ची दरगाह के पास। कच्ची दरगाह के पास भाई जाके ले सकते हो इनसे गजब। ये हमेशा आते हैं नहीं तो मैं तो कहता हूँ हाट में आ जाओ हाट में लेके चले जाओ। चाचा बटेर कितने में दोगा? 200 रुपये का दोगा। तो भाई 25 सितंबर का मैंने आपको सारा अपडेट बता दिया है इंदौर मुर्गी बाज़ार का। आपको कौन कौन से मुर्गा मुर्गी आए थे कितने कितने रेट में आए थे पूरा बता दिया भाई। मुर्गी बाज़ार और कबूतर बाज़ार बिल्कुल पास में ही लगते हैंगे और बड़ा गणपति राजबाड़ से 5 मिनट का रास्ता आएगा और ये हाट जो है जिंसी हाट के नाम से जाना जाता है और जिंसी एरिया में ही लगता है। तो भाई इस ब्लॉग का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलूंगा मैं आपसे कहीं और किसी के ब्लॉग पर या आप नहीं ब्लॉग पर या इस मुर्गी बाज़ार या कबूतर बाज़ार पर। तब तक के लिए इस बंदे को इजाज़त दें।